आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। मुखबिर के सूचना पर फिर पुलिस ने टीम बनाकर पकड़ा अवैध गांजा। बिस्तान थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक रविवार सोमवार की दरमियानी रात्रि में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बाड़ी खुर्द तरफ से दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा लेकर बिस्तान तरफ आ रहे हैं। उक्त मुखबिरी सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी बिस्तान उप निरीक्षक दिनेश सिंह ठाकुर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान बिस्तान बाड़ी रोड कृषि उपज मंडी के सामने से आते दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ने के दौरान आरोपी पुलिस फोर्स को देखकर भागने की कोशिश करने लगे, जिन्हें पुलिस फोर्स की हिकमत अमली से एक व्यक्ति को मई मोटरसाइकिल और अवैध सामग्री के साथ पकड़ा। पकड़ में आए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम कैलाश पिता खून सिंह जाति बारेला उम्र 28 वर्ष निवासी दुगानी थाना वरला का बताया, जिसके पास से प्लास्टिक की थैली में रखे सामान को चेक करते हुए गांजा होना पाया गया। उक्त मादक पदार्थ को रखने और परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज के बारे में पूछताछ करने पर नहीं होना पताया तथा उसका एक साथी मोटरसाइकिल चालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। आरोपी कैलाश पिता खून सिंह जाति बारेला उम्र 28 वर्ष निवासी दुगानी थाना वरला से 10 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा कीमत 2 लाख रुपए मूल्य का मोटरसाइकिल क्रमांक MP46 MR0307 होंडा शाइन को विधिवत जब्त कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी कैलाश पिता खून सिंह जाति बारेला उम्र 28 वर्ष निवासी दुगानी थाना वरला फरार आरोपी का कृत्य धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपियों के विरुद्ध थाना बिस्तान पर अपराध क्रमांक 13/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस भीकनगांव श्री प्रवीण कुमार उइके मार्गदर्शन थाना प्रभारी बिस्तान उप निरीक्षक दिनेश सिंह कुशवा के नेतृत्व में उप निरीक्षक आत्माराम असवारे प्रधान आरक्षक मनीष श्रीवास्तव प्रधान आरक्षक अमजद खान प्रधान आरक्षक अकलीम खान आरक्षक आवेश आरक्षक हरिओम आरक्षक सुंदरलाल आरक्षक भरत मिलन यादव आरक्षक दीपक आरक्षक अशोक पाटीदार आरक्षक रमेश मंडलोई आरक्षक चालक सावन का सराहनीय योगदान रहा। बिस्तान से अखिलेश भावसार की रिपोर्ट।